तो कांग्रेस पार्टी की महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की पार्टी प्रभारी यानी कि प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ होगी। दिल्ली के जामनगर हाउस स्थित प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में वाड्रा दोपहर बाद पहुंचेंगे और सूत्रों का कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा, जिसे ईडी पूछताछ कर रही है, उनसे कुछ अहम जानकारी एजेंसी को मिली है और इसी आधार पर वाड्रा से पूछताछ की जाएगी। बता दें कि अरोड़ा को 6 फरवरी तक अंतरिम जमानत मिली है और इस मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से वाड्रा को पिछले सप्ताह अंतरिम जमानत मिल गई थी। उन्हें 16 फरवरी तक ये राहत मिली है। उनके वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि वाड्रा आज ईडी के सामने पेश होंगे। तो दिल्ली के जामनगर हाउस स्थित प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में वाड्रा दोपहर बाद पहुंचेंगे। सूत्रों का कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा, जिससे ईडी पूछताछ कर रही है, उनसे कुछ अहम जानकारी एजेंसी को मिली है और इसी आधार पर वाड्रा से पूछताछ की जाएगी। बता दें कि अरोड़ा को 6 फरवरी तक अंतरिम जमानत मिली है और इस मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से वाड्रा को पिछले सप्ताह अंतरिम जमानत मिल गई थी। उन्हें 16 फरवरी तक ये राहत मिली है। साथ ही उनके वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि वाड्रा आज ईडी के सामने पेश होंगे।